नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 25 जून है और मैं बात करूंगा राजस्थान में मानसून के प्रवेश की। जी हां, जिस मानसून की पिछले कई दिनों से राजस्थान वासियों को उम्मीद थी, आज 25 जून को दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून प्रवेश कर चुका है। खासकर यदि देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, इसके अलावा झालावाड़, कोटा और 12 डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ भागों में मानसून आज प्रवेश हुआ है। इसी दौरान पिछले 24 घंटों में उदयपुर और कोटा संभाग के कई भागों में वाइड स्प्रेड रेनफॉल भी रिपोर्ट हुई है। आने वाले दिनों में यदि बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कुछ और हिस्सों में अगले 3-4 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की संभावना बनी हुई है, यानी कि अगले 3-4 दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून और कुछ इलाकों में प्री मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी। इसके साथ ही 27, 28 और 29 जून को खासकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा मानसून ऑनसेट के साथ मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की गतिविधियां भी आगामी दिनों में बढ़ी हुई रहेंगी, यानी कि बारिश के दौर के साथ में मेघ गर्जन और कहीं कहीं वज्रपात होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। तो ऐसे में खासकर आमजन और किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है, यदि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आपके आसपास हो रही हो, मेघ गर्जन सुनाई दे रहा है, तो कृपया करके पेड़ या कोई मेटेलिक कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई इस प्रकार का खंभा हो जो ऊंचाई जो है वो ज्यादा हो, तो ऐसे स्थान से बिल्कुल भी ऐसे स्थान के नीचे ना खड़े रहें, ऐसे स्थान से दूर रहें। अब बात करें यदि वर्तमान रेनफॉल की, तो इस सीजन में 1 जून से लेकर अब तक यदि देखें तो राजस्थान में सामान्य से करीब 45% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। आंकड़ावार यदि देखें तो पूर्वी राजस्थान में 1 जून से आज 25 जून तक 20.7 mm रेनफॉल रिपोर्ट हो चुकी है, यानी कि औसत से यदि तुलना करें तो ये सामान्य से 45% कम है। तो कुल मिलाकर इस वर्ष मानसून का जो आगाज है वो राजस्थान में तय समय पर हुआ है और अगले 5-7 दिन बल्कि 1 सप्ताह के लिए यदि बात करें तो राजस्थान के कई इलाकों में मानसून जो है वो यूं कह सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी और मानसून जो है वो आगे बढ़ने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से जुड़े रहें। धन्यवाद।